तंबाकू खा लिया, मोबाइल उसके बाद दिक्कत क्या है? आप उन्हें महसूस करी है कि कोई चीज़ खा लेने से मेरी मुझे खांसी बढ़ गई या मुझे कुछ याद नहीं रहता है, कुछ मेरी सोचने की याद रखने की कुछ कैपेसिटी क्षमता मेरी कम हो गई या मुझे खाने में कोई दिक्कत आ रही है ना? ऐसी ये जो चीज़ें हम व्यसन करते हैं सेवन करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो दिक्कत हमारे शरीर में आती है। अब वो बताइए मुझे आप कि आपको कैसा कुछ तो दिक्कत महसूस हुई होगी जो कंटिन्यूटी में लगातार जैसे कि सिगरेट पीते हैं है ना, तो दमा की बीमारी हो जाएगी या कोई और दूसरी बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना? तो कई सारी बीमारियां इससे हो जाती हैं जो कि आपके आसपास में जो कि हमारे इस क्षेत्र में जो सामान्यतः लोगों के घरों में देखने को मिलती हैं, जो ये सारी चीज़ें जैसे कि सिगरेट पी लिया, तंबाकू खा लिया, गुटखा खा लिया, तो ये चीज़ें खाने के बाद वो आप समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम खाते नहीं हैं, हमने सिर्फ किताबी जानकारी प्राप्त करी है कि हाँ ऐसा खाने से ऐसा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे व्यवहारिकता में बताइए कि हाँ हम लोगों को ऐसी चीज़ें हम फेस करते हैं, ऐसी दिक्कत हमें महसूस होती है ये चीज़ खाने से, ऐसा कुछ बताइए हमें, अपना अनुभव साझा करिए हमसे। बहुत अच्छी बात है, जी ने बता दिया वो हमको समझ में, वही बात है तो और आप है ना अपने कोई विचार, क्योंकि देखो अपने बच्चे भी हैं, उन बच्चों को यदि अपन लोग डॉक्टर हमारा ऐसा ये हमारा जो प्रिया साहब ने बताया पूरा रहेगा कि ताकि कोई कोशिश करेंगे नहीं खा पाए बस ये वाली प्रिया साहब हमारा। देखो मैं तो इतना बड़ा हुआ कोई जो गुटके वगैरह पी लिया आजकल तो मैं यूज करता हूँ, हम इसीलिए आए हैं सरकार के मैं भी इनको प्रयास करवाऊंगा। आपने रास्ते में तंबाकू बीड़ियों से नुकसान होता है काफी, कोई सांस की बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम अन्य और कमजोरी हो जाती है, इसलिए पूरा प्रयास रहेगा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देखो हम आप सभी जो ये चीजें सुन रहे हैं आप अपने घर परिवार में जरूर इसके ऊपर चर्चा करें, एक दूसरे से साझा करें कि ये तंबाकू गुटखा अच्छा नहीं है, हमारे पैसे खराब होते हैं, जिसके घर में ये सारी चीज़ें खाते हैं ना लोग उनसे थोड़ा क्या जो दूरी बनाते हैं इन सारी चीज़ों से, अरे इनके घर में ये चीज़ खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो थोड़ा सा कम आंकते हैं है ना। बहुत बढ़िया, तो सारी चीज़ें शरीर पर भी फर्क पड़ती हैं, लोगों की सोच पर भी फर्क पड़ती है और हमारी खुद की स्टेटस को भी कम करती है। तो आप लोग नहीं खाना और दूसरों को भी जागरूक करना कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। हम लोग सब ग्राम बोडी वासियों से मेरा कपिल है, कभी कभी हमारा कम तो होता है और पंचायत स्तर पर ग्राम सभा बैठक होती है, हमारे ये निशान भरने की बात सर सब इसमें होती रहती है भाई तंबाकू वगैरह नहीं खाए, ये कई बार हमारा हो चुका है कहीं पर, आदि लोगों ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया है छोड़ने का, कोई किसी की आदत बन गई है पहले से वो खाते रहते हैं, धीरे धीरे उनको कई बार कोई लोग मोटिवेट हुए हैं नहीं भी खा रही हूँ ऐसा। हमारे ऐसे बहुत ग्राम बोर्डों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, आप लोगों का प्रयास है। ये 50 रुपये तंबाकू वगैरह ये आके ये खर्च करिए, घर घर सब्जियाँ वगैरह बिजली ये हरी सब्जी वगैरह ले खाते खाते कितना पॉजिटिव। आपका नाम क्या है? गीताराम। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी साझा करी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूसरों को भी राम राम, क्या बोलते हैं, राम राम है ना।